श्री राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं, पूरे बिहार में लोग मुझे मोदी के नाम से ज़्यादा जानते हैं और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2019 की चुनावी यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान कि सारे मोदी चोर हैं के खिलाफ बीजेपी के कई नेताओं ने मुकदमा दायर किया था मानहानि का। इसी में से एक थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। और इसी केस के सिलसिले में मोदी पटना के एमएलए एमपी की विशेष अदालत में पहुंचे हैं। क्या कुछ बातें कही है सुशील कुमार मोदी जब वो अदालत से बाहर निकले हैं, पहले सुनिए आप। अरे यहाँ सब ऐसे करिए, ये रखिए, आराम से सब कुछ का कर लीजिए। सर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सभा में श्री राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया, फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं क्योंकि मेरा भी सरनेम मोदी है और पूरे बिहार में लोग मुझे मोदी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया, मैंने मुझे बहुत खराब लग रहा था और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में आज ये मेरी गवाही थी और इस मुकदमे में, इस मामले में राहुल गांधी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने बेल लिया था, वो अभी बेल पर है। तो राहुल गांधी पर जो मानहानि का मैंने मुकदमा दायर किया था आज उसी का और मेरी गवाही थी। तो उनके वकील ने लगभग 45 मिनट तक मुझसे अनेक सवाल पूछे और मैंने यही कहा कि उस दिन जब मैं भाषण सुन रहा था और सुनकर मैं जब कार्यालय गया, बीजेपी कार्यालय गया, तो लोग चर्चा कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। अब तो राहुल गांधी ने कह दिया। जब मैं अगले दिन भागलपुर गया, भागलपुर की सभा में भाषण देकर नीचे उतरा तो लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। तो मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को ही नहीं, सारे मोदियों को। इसलिए मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। मेरे वकील एसडी संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग जो हैं। तो आज राहुल गांधी के वकील के द्वारा जिरह थी हमारी, उन्होंने गवाही ली और मैंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या लगा राहुल गांधी के बेल को लेकर के भी आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए ये तो एक शफ्ट और प्रूफ केस लगता है, क्योंकि इससे वो इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने सारे मोदी चोर हैं ये नहीं कहा, नरेंद्र मोदी चोर हैं ये उन्होंने नहीं कहा, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यायालय का मामला, लेकिन हम लोगों को लगता है ये डिफेमेशन का मामला बनता है और इस मामले में राहुल गांधी जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए ताकि फिर कोई ईमानदार और अच्छे लोगों को इस प्रकार से बदनाम न कर सके। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मोदी ने कहा है कि यह पुराना मसला था, इसी को लेकर सुनवाई के मद्देनज़र मैं अदालत पहुंचा था और जिस तरह का बयान दिया है राहुल गांधी ने कि सारे मोदी चोर हैं और चूंकि हमारा भी सरनेम मोदी है तो कई जगहों पर इस मामले को लेकर हमारा मजाक बनाया गया और इसी सुनवाई को लेकर आज मैं कोर्ट में पहुँचा था और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द इस सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।